शिक्षकों का किया सम्मान। ध्रुव बाल निकेतन सीएसआई स्कूल महावीर कॉलोनी होटल पार्क रेजिस के सामने आमेर रोड में विद्यालय डायरेक्टर दो ललित कुमार बांगा प्रिंसिपल गोविंद नारायण गुप्ता ने बोर्ड परिणाम में होकर बच्चों को मालार्पण कर मिठाई खिला साफा पहनाकर कर सम्मानित किया। 100% के साथ अभिषेक गुप्ता खालिदा जहीन गौरी स्नेहा कुटेता ने विद्यालय का प्रथम लहराया। मेरा नाम स्नेहा है और मैंने ध्रुवबाल स्कूल से अपनी पढ़ाई करी है और मुझे बोर्ड में 100% परसेंटेज आई है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता अपने स्कूल वालों को और मेरे प्रिंसिपल मेरे स्कूल के टीचर्स उनको देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ हमारी पढ़ाई में और लॉकडाउन लग गया था उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखी और पढ़ाई तो बिल्कुल भी छोड़ा नहीं तो इस कारण मेरी 100% परसेंटेज आ पाई। भविष्य में आपने क्या बनने का सोचा है, क्या बनना चाहती हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम खालिदा जहीन गौरी है, मैं ध्रुवपाल निकेतन स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% हासिल किए। पेरेंट्स के डेडिकेशन, स्कूल परिवार के सहयोग और टीचर्स की मेहनत की वजह से मैंने ये परसेंटेज हासिल की और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं ध्रुव परिवार का छात्र हूँ और मैंने इस साल 10वीं कक्षा में 100% प्राप्त किए और इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों प्रिंसिपल सर और अपने परिवार के सदस्यों माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और लॉकडाउन के बाद भी स्कूल ने हमारा पूरा सहयोग किया, इसके लिए मैं ध्रुव परिवार को पूरा पूरा धन्यवाद देता हूँ। मैं ध्रुव परिवार से गोविंद नारायण गुप्ता परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से और सभी के आशीर्वाद से ध्रुव परिवार ने बच्चों के रिजल्ट्स के अंदर अभूतपूर्व शानदार प्रदर्शन किया है। 12th क्लास के अंदर 5 बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किए और 10th क्लास के अंदर 3 बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किए और 90% 126 बच्चों ने अंक प्राप्त किए। ये सब पेरेंट्स का सहयोग, बच्चों की मेहनत और जो हमारा टीम वर्क है ये उसकी जीत है और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इन बच्चों का उज्ज्वल भविष्य हो, आगे जीवन में ये मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करें और सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन हमारे लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच करके चलें। तो एक पॉजिटिव मैसेज देने आया कि हम एक नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, जो ये बच्चे आपके सामने मिसाल है और उदाहरण है, तो हम डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर और भी आगे बढ़ेंगे और आगे इससे भी अच्छा हम रिजल्ट दे पाएंगे। थैंक यू।